अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं ब्रेड पुडिंग। उसके लिए हमें चाहिए तकरीबन आधा लीटर दूध और 4 टेबल स्पून के करीब हमें चीनी चाहिए। कस्टर्ड पाउडर तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून में ये थिक हो जाता है। एक क्रीम का पैकेट आधा इसमें जाएगा और आधा ऊपर ड्रेसिंग के लिए इस्तेमाल होगा। 1/2 फ्रूट कॉकटेल का कैन, किशमिश तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून और 4 से 5 स्लाइस। चलिए अब हम इसकी कस्टर्ड बनाते हैं। इसका जी हमने थोड़ा सा पतीले में ये पैन में पानी इसलिए डाला है कि जब पैन गर्म होता है ना तो जब दूध डालते हैं तो दूध एकदम जल जाता है तो उसकी बाद दफ़ा स्मेल भी आ जाती है। ये हमने आधा लीटर इसमें दूध डाला, हमने ये इसमें शक्कर डाल दी। शक्कर को आप अपने टेस्ट के हिसाब से देख लीजिएगा, अगर आप लोग ज़्यादा खाते हैं तो आप इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसको बॉईल आने तक पकाना है, उसके बाद फिर हम इसमें ये कस्टर्ड पाउडर डाल के इसको थिक करेंगे। आप किसी किस्म का भी कस्टर्ड ले सकते हैं। हमारे पास इस वक्त स्ट्रॉबेरी का कस्टर्ड अवेलेबल था, इसलिए वनीला का भी ले सकते हैं, किसी का भी ले सकते हैं फ्लेवर का कस्टर्ड आप जी। अब ये देखिए इसका दूध उबल गया तो इसमें हम ये हमने डाला है कस्टर्ड पाउडर। अब हम इसको थोड़ा पतला रखेंगे अभी, क्यों? इसलिए क्योंकि हमने इसमें स्लाइस डिप करना है। ठीक है, बस ये अब हमारा हो गया, अब हम इसको इसमें स्लाइस डिप करेंगे। ठीक है, बहुत गाढ़ा नहीं है, पतला है। अब हम ये स्लाइस लेके इसमें डिप करेंगे और इसको हम अपने इसमें बिछा देंगे। ये हमने भी रखा, अब इसका हम आधा हिस्सा इसको आधा कर लेते हैं। आधा हिस्सा हम इसका इस इधर और आधा हिस्सा इधर। देख लीजिए हमने इसमें ये इस तरह करके इसके साइडों में और ये बीच में इसको ये ब्रेड को इस तरह बिछा दिया। अब हम अपने कस्टर्ड की तरफ चलते हैं, बाकी उसका प्रोसीजर। हम इसमें ये फ्रूट कैन जो है हमारे, ये 1/2 कप 1/2 कैन वो डाल रहे हैं और इसमें साथ ही हम इसमें किशमिश डाल रहे हैं। ये डाल के अब हम इसको मज़ीद पकाएंगे, थिक होने तक इसको पकेगा और फिर ये इस तरह का थिक हो गया है। ठीक है जी, ये देख लीजिए। अब हमने इसका चूल्हा कर देना है बंद। चूल्हा बंद करके हम इसमें जो 1 कप 1 पैकेट क्रीम थी उसका आधा हम इसमें डाल रहे हैं। और मिक्स करके अब हम इसको डिश आउट करते हैं जी। इसको ऐसे ही हिला हिला के थोड़ा ठंडा कर लीजिए। ये जी हमने इसमें ये अच्छी तरह से आप इसमें से निकाल के इसमें डाल दीजिए सर्विंग बाउल में। इसको सेट कर लीजिए। ये रूम टेम्परेचर में पहले ठंडा होगा तो फिर अब इसके ऊपर हम क्रीम ड्रिजल करेंगे। और ब्रेड पुडिंग हमारी जम चुकी हुई है। अब हम इसके ऊपर जो क्रीम है उसमें हमने 1 चम्मच चीनी मिला दी थी ताकि थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए। और इसके ऊपर एक पूरी इसकी लेयर दे दीजिए।